ले आओ बाबू। ऐसे भी क्या देख रहे हो कि कभी किन्नर नहीं देखी क्या? ले आओ, मूछे बड़ी प्यारी हैं आपकी। क्या बात है, क्या लगाते हो इन मूछों में? चिकने हैं। ले आओ, मुझे और भी कहीं जाना है बाबू। इतनी गहराई से मत देखो, खुश रहो। क्या हुआ, हॉर्न कैसे बजा रहे हो? इरादा नहीं है मुझे भेजने का। तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो। तो फिर ले चलो मुझे अपने घर की बहू बना के। क्या ले जा सकते हो? ठीक है, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। कहना आसान है बाबू, निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम किन्नर हैं ना, इसलिए। बाय। अरे भाभी, ले ले कुछ। ला दे दे तू भी। क्या चाहिए था ना? दुनिया जो देती है वही तू देगा, और तू क्या स्पेशल मुझे कुछ देगा? अच्छा, और क्या ले लूं तेरे से? अच्छा बैठ जा फिर, देऊंगा तने भी। ले बैठ गई। क्या चाहिए था ना? ये क्या हरकत है, पागल वागल हो गया है क्या? तू कोई लड़की है जो इस तरह रिएक्ट कर रही है? थोड़ा तो रोज का काम है। तो इंसान तो हूँ। फिर इंसान है तो? फिर तो ये क्या तरीका है, टच करेगा मेरे को? तेरे जैसे गंदे आदमियों ने तो किन्नरों का भी नाम खराब कर दिया। गंदा ही मैं। और तू ही गंदा है। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, रख अपने पास, तू खुश रहे। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। अरे सुनो तो। हेलो। हाँ बोलो। आपका नाम क्या है? क्या करोगे नाम पूछ के यार, उसने दिमाग खराब कर दिया। तू भी नाम पूछ के पता नहीं क्या करेगा। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। सारे मर्द एक जैसे होते। मैं आपसे प्यार करने लग गया, मुझे आप बहुत अच्छे लगने लग गए हो। प्यार व्यार मुझे नहीं करना बाबू। आपका नाम क्या है, नाम तो बता दीजिए। वैसे तो नाम मेरा सनाया है। आपका नाम भी आपके फेस की तरह ही बहुत क्यूट है। किस काम का ऐसा नाम बाबू, जहाँ इज्जत ही नहीं है। आप जैसे मर्दों ने और मर्दों ने नाम खराब कर दिया इजड़ों का। मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। कोई प्यार व्यार नहीं करता, कोई शादी वादी नहीं करता। क्या गारंटी आप मुझे शादी करोगे? क्या आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? अरे वो स्वीकार करे ना करे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं आपको अपने दिल में बसाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा सारी जिंदगी। प्लीज यार, रोने जैसी बातें मत करो, वरना मुझे मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। बस आप अपना फोन नंबर दे सकते हो? 77 01 01 बाय। सुनाया, अब तो हमें मिलते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, क्यों ना अब हम शादी कर लें? अब तो तुम मुझे जानने भी लगी हो, पहचानने भी लगी हो अच्छे से। शादी नहीं कर सकती ना बाबू मैं, आपको पता ही है। लेकिन क्यों नहीं कर सकते आप? जब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ बेहद, तो आप क्यों नहीं शादी कर सकते? मुझे आप पे विश्वास है, आप मुझे लाइक करते हो, प्यार भी करते हो, लेकिन शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? एक माँ तो बन नहीं सकती, आपका वंश कैसे चलेगा? ये तो अपना वो पड़ोसी अशोक है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? अशोक, तुम यहाँ किन्नर के साथ? अरे वो ना, मैं इनसे प्यार करता हूँ। ये प्यार, वो भी एक किन्नर से? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शहर में लड़कियाँ मर गई थी क्या सारी की सारी? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। देख सृष्टि, भले ही मेरी हाइट छोटी है, पर हूँ तो मैं लड़की ना, इनकी तरह तो नहीं? सही बात है, ये बोनी है, कम से कम लड़की है, इनका तो पता ही नहीं, ना तो मर्द ना ही औरत।
तुम्हें उससे क्या मतलब है? जब मेरा दिल इन पे है, मेरे को ये पसंद है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो और तुम्हें मतलब भी क्या है इन चीजों से? तुम तो हमारे पड़ोसी हो ना, और पड़ोसी की तरह ही रहो। पड़ोसी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे घर के साथ कोई किन्नर आके बैठ जाए। वैसे तुम्हारी जिंदगी तुम ही देखो क्या करना है। इसका तो ना दिमाग खराब हो गया, मुझे लग रहा है प्यार में पागल हो चुका है ये। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? तो ठीक है, चलो आज ही मेरे घर, आज से तुम मेरे घर रहोगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें, अपनी माँ को जैसे तैसे भी मना के तुमसे शादी भी करूँगा। तुम्हारे विश्वास पे मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई, प्लीज अब मुझे आपके घर नहीं जाना। तुम चलो, नहीं तुम चलो मेरे साथ। मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें बोला ना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस चीज़ का डर है? आज मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवा के ही रहूँगा। ये आपका घर? हाँ, ये है हमारा घर। वाह, इतना खूबसूरत, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा घर है आपको। मैं यहाँ रहूंगी क्या? चलो तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। या कौन है अशोक? मम्मी, वो मैं इनसे ना प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनको आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। राह बठाना पड़ेगा, मने गणी नाश की राई चाल पड़ा छोरा। किन्नर है और मेरे घर में नहीं हो सकता। मम्मी जी, मैं आपकी कुछ हेल्प कराऊं? ना 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 ना, मैं अपने आप कर लूंगी, बाहर बैठ। मम्मी जी आप थक जाओगी, मैं कर लेती हूँ सारा काम, आप आराम कर लीजिए। और यहाँ आराम, मैं अपने आप, मेरा कुछ नहीं गेस्ता, मैं अपने आप करूंगी, जा। माँ, आप कब तक उसके साथ ऐसा व्यवहार करते रहोगे? एक न एक दिन तो आपको उसको अपनी बहू मानना ही पड़ेगा। किस बात की बहू है वाह? जब आग हमारा वंश खत्म है कि न रहा, इस बात ने तू समझ लेगा तो ठीक रहेगा बेटे, या जद न छोड़नी ही पड़ेगी। बाहर। मम्मी बिस्तर गंदा पड़ा था, उसको सही कर रही थी। मैं अपने आप कर लूंगी जो करना है, तू मेरे कमरे से बाहर हो जा। सारे कमरे में कहीं आंडे चाहे घर में कह। क्यों काम चल लगा? देख बात सुन, मेरे कहन लखा तो नाड़े तो जाना पड़ेगा, चाहे तू रो
चाहे तू आस आड़ तरी पार पड़े को ना। तू तुम्हारी वंश पेल खत्म करना आ रही है, मेरे छोरे की तो जिंदगी आड़े खत्म हो लेगी तो न रखेगा तय न्यू कौन पार पड़े। देख चाहे तो तू अपना सीधे सीधे जाओगी ना, मैं अपने तेवर देखाऊंगी, जब तेरा मजबूर हो काड़े तो जाना पड़ेगा। ऊट मटीला होते मैं नहीं देख सकती, इस मारे इतना राजी राजी समझाऊं हुई, रोज रोज मैं तना क्या एक हाथ नहीं लगान दी, और मैं इतना उल्टी सीधी बोलूंगी, तेरा रोना धोना रहेगा घर में, यह चीज बढ़िया नहीं है। अगर समझ जाएगी तो ठीक है, ना तो देख दूसरे डाल मने अड़े तो काटनी पड़ेगी। सोच ले कौन सा रास्ता तेरे लिए ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रही हो बैग लेके? मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ से आप मुझे लेके आए थे, मैं अपनी दुनिया में जा रही हूँ, प्लीज मुझे रोकना मत। मम्मी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे सब समझ में आ गया, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है, और आप मुझे मत रोकना। अगर हमारा सच्चा प्यार होगा तो प्लीज हम कभी भी मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे बस। अरे तुम ये क्या बोल रही हो, बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ ना, कोई परेशानी हो तो वो बताओ, लेकिन तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। अगर मुझसे आप प्यार करते हो, मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो आपको एक अच्छी सी लड़की देख के अपने लेवल की, और प्लीज़ शादी कर लेना, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ठीक, आपसे मुझे बहुत प्यार मिला, ठीक है, और अब मुझे अपनी दुनिया में जाना, तो प्लीज़ वैसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कोशिश करना प्लीज मुझे बुलाने की, सोचना आपने एक सपना देखा था और वो सपना टूट गया आँख खुली तो, ठीक है, मुझे अपनी दुनिया में जाने दो प्लीज़।